उसे। पर्वतराज नारद, अब इससे कैसे पीछा छुड़ाऊं? कहो बंधु, कैसे हो? अरे ये क्या, तुम स्त्रियों के वस्त्र कब से पहनने लगे? पर्वतराज, जितने तुम मोटे हो, तुम्हारी बुद्धि भी उतनी ही मोटी है। ये वस्त्र मेरे नहीं है, मेरी पत्नी के। पत्नी? हाँ। यानी कि तुमने विवाह कर लिया? विवाह? हाँ कर लिया। तुम्हें कोई आपत्ति है? आपत्ति कैसे, फल मूल खाते खाते तो मेरा जी उब गया था। आज तो तुम्हारे पत्नी के हाथों का भोजन खाऊंगा। भोजन? अवश्य अवश्य, किंतु आज नहीं। आज तो तुम कहीं जा रहे थे ना? मैं कहीं जा रहा था? हाँ। नहीं, मैं कहीं आ रहा था। नहीं नहीं, मैं कहीं जा रहा था। मैं भगवान श्री कृष्ण के यहाँ जा रहा था। अच्छा हुआ, अभी अभी जाकर उन्हें तुम्हारे विवाह का शुभ समाचार सुनाता हूँ। नहीं, 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 नहीं। उनसे कुछ मत कहना, भगवान कृष्ण नहीं चाहते कि मेरी गृहस्थी बसे। वो कुछ न कुछ गड़बड़ कर देंगे, उनसे कुछ न कहना। परंतु बातों बातों में यह बात निकल गई तो? समझ गया, तुम भोजन किए बिना टलने वाले नहीं। चलो 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 पर्वतराज। नहीं नहीं नारदी, और डालो और डालो। आज पर्वतराज को इतना भोजन कराओ कि 6 महीने तक इनको भूख ही नहीं लगे। चलो डालो डालो, सब डाल दो। अभी नहीं नारदी, डालो, संकोच क्यों कर रही हो? हाँ, डाल दो डाल दो। भोजन बड़ा ही स्वादिष्ट हुआ था, जी करता है कुछ दिन यहीं रह जाऊं। तो रह जाइए ना। हाँ पर्वतराज, कुछ दिन और रह जाओ, धीरे धीरे घर गृहस्थी अच्छी लगने लगेगी। फिर मन में विवाह करने की इच्छा उत्पन्न होगी और फिर नहीं, फिर मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं कभी कभी आ जाया करूंगा। जैसी तुम्हारी इच्छा। मुझे तो नींद आ रही है, चलो मैं तुमको छोड़ के आता हूँ, आओ। मुझे भी नींद आ रही है, थोड़ी देर सोता हूँ फिर चला जाऊंगा। पर्वतराज, सोना मत सोना मत। तुमको जगाने के लिए मेरे पास नगाड़ा कहाँ है? तुम एक काम करो, मैं तो अब यहाँ से कहीं आ जा नहीं सकता, तुम ब्रह्मलोक चले जाओ। वहां का बहुत दिन हुए कुछ समाचार नहीं मिला, परंतु आते हुए ब्रह्मलोक से शिवलोक चले जाना और शिवलोक से विष्णु लोक होते हुए आना, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं ब्रह्मलोक के लिए अभी प्रस्थान करता हूँ। प्रस्थान करो प्रस्थान करो, मैं छोड़ के आता हूँ। नहीं नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, मैं स्वयं चला जाऊंगा। प्रणाम पर्वतराज। सदा सुखी। चलो मैं तुमको छोड़ के आता हूँ पर्वतराज, चलो। ब्रह्मलोक, शिवलोक, विष्णु लोक, भूलना मत। नारदी, अब कौन? मैं हूँ पर्वतराज। क्या है पर्वतराज? मैं भूल गया, मैं पहले पाताल लोक जाऊँ? हाँ, पहले पाताल लोक, पाताल लोक, मैं भी भूल गया था, पाताल लोक। नारदी, 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 तुम चुपचाप क्यों बैठी हो? कुछ बातें करो ना। मैं क्या कहूँ, आप ही कुछ कहिए ना। मैं अच्छा, मैं ही कहता हूँ। हाँ, बाहर चंद्रमा है, अपनी छटा बिखेर रहा है, शीतल पवन बह रहा है। हाँ। आज बुधवार है। हाँ है। आप चुप क्यों हैं? कुछ और बातें कीजिए ना, आपने तो कहा था कि मैं ढेर सारी बातें करूंगा। हाँ हाँ, करेंगे, अवश्य करेंगे। नारदी, तुम्हें मेरी बातें अच्छी लगती हैं? हाँ,
आप बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, ऐसे लगता है जैसे कोई लोरी सुना रहा हो। आपकी बातें सुन के मुझे नींद आने लगती है, मैं सो जाऊं? नहीं 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 नहीं, सोना नहीं, अभी तो और बातें करनी है। तो कीजिए ना। अब तुम ही कुछ कहो ना। मैं? हाँ। मैं क्या कहूँ? अरे हाँ, हाँ? वो वैद्य काकी है ना। वैद्य काकी को छोड़ो, अब कुछ और बातें करो। और क्या बातें करो? वो पर्वतराज। वो पर्वत को कहाँ बीच में लाके खड़ा कर रही हो? तो आप ही प्रेम की नदी बहा दीजिए ना। नदी प्रेम की? नारदी, मैंने एक सपना देखा है। सपना? कैसा सपना? हम दोनों नदी किनारे एक दूसरे के अत्यंत समीप बैठे इस प्रकार, और तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में है इस प्रकार, और जानती हो क्या हुआ? न जाने कहां से एक सिंह आ गया। वनराज? हाँ, वनराज सिंह, और हमको देखकर गरजने लगा। मुझे डर लग रहा है। और धीरे धीरे वो सिंह हमारे समीप आने लगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। और वो सिंह अचानक छलांग लगाकर भाग गया। भाग गया? हाँ। फिर क्या हुआ? फिर मेरा सपना सच हो गया। नारद, ओ नारद, अभी तक सो रहे हो क्या? लगता है कुछ गड़बड़ है, द्वार तोड़ना ही पड़ेगा। अरे सबल लाना, द्वार तोड़ना ही पड़ेगा। हाँ, द्वार तोड़ना ही पड़ेगा। क्या बात है? वही तो हम जानना चाहते हैं कि बात क्या है। दो दिन से आपका द्वार बंद है। हमें तो चिंता हो गई थी भाई, कहीं तुम दोनों का कुछ हुआ तो नहीं, कहीं अस्वस्थ तो नहीं हो? नहीं नहीं नहीं, मैं तो पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। स्वस्थ हो या अस्वस्थ हो, नाड़ी देखने से पता चलेगा। भयंकर रोग है। भयंकर रोग? वैद्यराज, क्या हुआ है मेरे पति को? अति भयंकर रोग, इसकी चिकित्सा आयुर्वेद शास्त्र में भी नहीं है। असाध्य रोग है, असाध्य रोग। असाध्य रोग? क्या बचने का कोई उपाय नहीं है? ये सब क्या हो रहा है, मुझे कोई रोग नहीं है। जैसे पागल अपने आप को पागल नहीं समझता, इस रोग का रोगी अपने को रोगी नहीं समझता, यही इस रोग का प्रधान लक्षण है। परंतु ये रोग है कौन सा? इस रोग का नाम है प्रेम रोग। प्रेम रोग? अच्छा, तो सवेरे सवेरे आप लोग मुझसे परिहास करने आए हैं? नहीं नारद भाई, हम तो सच में ये जानने आए थे कि कहीं तुम दोनों को कुछ हो तो नहीं गया। पड़ोसी होने के नाते सुख दुख का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है ना। हाँ हाँ, और तुम्हारे लिए शुभ समाचार भी लाए हैं। कैसा शुभ समाचार? ग्राम पंचायत ने तुम्हारे लिए भूमि की व्यवस्था कर दी है, और हल बैल का प्रबंध भी हो गया है, और नए वर्ष की जुताई आज से ही प्रारंभ है। आप भी चलिए हमारे साथ खेत। हाँ हाँ, अवश्य अवश्य, आप लोग चलिए। हाँ, मैं स्नान आदि से निवृत्त होकर आता। ठीक है ठीक है, चलो भाई। बड़े आए, चलो खेत में चलो। नारदी, आओ बैठकर बातें करें। बातें तो हम जीवन भर करते रहेंगे स्वामी, परंतु आप खेत पर नहीं जाएंगे, काम नहीं करेंगे, तो हमारी घर गृहस्थी की गाड़ी कैसे चलेगी? सो तो ठीक है। अच्छा, कल से खेत पर जाऊंगा। कल से नहीं, आज से। कल से? आज से नहीं, कल से। ठीक है, आपके मन में जो आए कीजिए। अरे तुम तो रुष्ट हो गई। मैं तो परिहास कर रहा था, परिहास। वैसे कृषि कार्य आरंभ करने के लिए आज का मुहूर्त सबसे उत्तम है, अति उत्तम। ठीक है, मैं स्नान आदि करके खेत पर जाता हूँ। अब तो प्रसन्न हो? खेत? खेत प्रसन्न तो हो ना। हाँ नारद जी, ऐसे पकड़िए। हाँ हाँ, ऐसे। हाँ हाँ हाँ, चलिए। हाँ।
खाइए ना। खा ले। रोटी भाजी।